खैर, हम अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र में नियोजित विकास के मुद्दे पर। आर्थिक क्षेत्र में कैसे नियोजित विकास किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम सरकार ने लिया सामाजिक विकास में, जैसे उसने कानूनी प्रावधान बहुत सारे किए, आर्थिक विकास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वह था पंचवर्षीय योजनाएं का प्रावधान। पंचवर्षीय योजनाएं नियोजन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों को दूर करने का लक्ष्य तो रखा गया नियोजन के माध्यम से, और उसी नियोजन के माध्यम से ही, नियोजन के परिप्रेक्ष्य में ही 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो रही हैं। याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं भारत में किस वर्ष से हैं? 1951 से। पंचवर्षीय योजनाएं जैसा शब्द से स्पष्ट है, 5 वर्ष के लिए होती हैं। तो पहला 1951 56, फिर 56 61, फिर 61 66, उसके बाद कुछ प्लान हॉलिडे आ जाता है, एक एक वर्ष की योजना बनती है कुछ कारणों से। उन कारणों पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इतना समझ जाएं कि पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 वर्षों के लिए थी पहली बार, और इसकी शुरुआत 1951 से मानी जाती है, 51 से हुई। अब इन योजनाओं के हर एक के अपने अपने लक्ष्य थे, तो हमें जानना जरूरी है कि पहली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। पहली योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि, विद्युत और सिंचाई। क्या था? कृषि, विद्युत और सिंचाई, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, जनसंख्या बढ़ रही थी सतत रूप से और खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी। मैं फिर से दोहरा दूं, भारत कृषि प्रधान देश था, जनसंख्या सतत रूप से बढ़ रही थी, और तीसरा, खाद्यान्न की भारी तंगी हो चुकी थी क्योंकि 85% गेहूँ उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान चला गया था। तो इसलिए कृषि की समस्या का निराकरण सबसे पहला उद्देश्य रखा गया। दूसरा, जो दूसरी योजना लागू की गई 1956 से, उसका लक्ष्य था औद्योगीकरण। पहले का लक्ष्य था कृषि विकास, दूसरे का लक्ष्य था औद्योगीकरण, चिकित्सा और स्वास्थ्य। तीसरी योजना का लक्ष्य फिर खाद्यान्न और उद्योग दोनों, पहले का खाद्यान्न यानी कृषि संबंधी, दूसरे का उद्योग संबंधी लक्ष्य, और तीसरे का खाद्यान्न और उद्योग संबंधी दोनों लक्ष्य। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए योजनाबद्ध विकास के मायने थे समय सीमा 5-5 वर्ष की, और हर 5 वर्षीय योजनाओं के कुछ लक्ष्य रखे गए थे, और वो लक्ष्य समसामयिक थे, उस काल की आवश्यकताओं को, अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए बनाए गए थे, और उसकी शुरुआत कृषि संबंधी लक्ष्य से हुई थी। अब बाद की पंचवर्षीय योजनाओं पर यदि नज़र डालें तो आप देखेंगे कि अधिकतर समय हमारे लक्ष्य में कृषि विकास जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में यदि आते हैं तो हमारे जो लक्ष्य हैं बदलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगीकरण के लक्ष्य में काफ़ी कुछ सफलता पा चुके, कृषि के लक्ष्य में भी काफ़ी कुछ सफलता मिली, तो जैसे जैसे हमारे लक्ष्य पूरे होते जाते हैं हम नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, नए उद्देश्य निर्धारित करते आए, और उनकी प्राप्ति के लिए इन पंचवर्षीय योजनाओं के मातहत प्रयास करते आए। आप इनको देखिए, जो लक्ष्य हमारे दिए हुए हैं कैसे बदलते जा रहे हैं, और एक समय आता है जब कृषि या उद्योग हमारे इन लक्ष्यों से पूरी तरह हट जाता है क्योंकि उन्हें प्राप्त कर लिया गया, और उसके बदले प्राथमिकताओं के नाम पर कुछ अन्य लक्ष्यों को समावेशित किया जाता है, जिसमें साक्षरता है, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें हैं, उसके अलावा रोजगार है, ग्रामों का विकास है, आदि आदि।
2012-2017 की जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं, वो एक तरीके से अंतिम पंचवर्षीय योजना होती है। 2012-2017 कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 12 हुई, ये आप याद रखेंगे। और बीच बीच में कभी कभी एक एक वर्ष की कुछ योजनाएं हुई जो किसी कारणों से पंचवर्षीय योजनाएं न लागू करके एक एक वर्ष की किया उसे हम कई बार प्लान हॉलिडे के नाम से देखते हैं और कुछ और भी नाम देते हैं। आपको बस केवल ये याद रखना है कि हमारी इन योजनाओं में 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। अच्छा, लक्ष्यों के अलावा आप देखिए, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो भी सतत रूप से बढ़ रहा है। विकास दर के लक्ष्य को प्रारंभ में जहाँ 3.45 इस तरह का कुछ लक्ष्य है, वहाँ पर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा था 7.8% का। और भरसक हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए, कभी कभी चूके हैं, थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य रखने से उसको पाने के लिए जो प्रयास होता है वो निश्चित रूप से हमें यदि लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता तो लक्ष्य निकट तो जरूर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं और अंतिम वर्ष पंचवर्षीय योजना का है 2017। उसके बाद स्थितियां बदलती हैं। 2015 में नीति आयोग आ जाता है और नीति आयोग कुछ दूसरे तरीके से कार्य करना शुरू करता है। नज़र हम डालें तो लक्ष्य बनाम प्राप्ति पर, तो आप पाएंगे कि कई बार हमने लक्ष्य से ज़्यादा सफलता मिल पाई है। कई बार ऐसा हुआ जब हम लक्ष्य से पीछे रहे। उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो हमारी तीसरी योजना का लक्ष्य था 5.6% का विकास दर, लेकिन मात्र 2.8 पर रुक गए, यानी आधा लक्ष्य। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ, पहली योजना में हम लक्ष्य से ज़्यादा पाए, पहली योजना बड़ी सफल रही और इसके कई कारण थे। शायद हमने लक्ष्य भी कम रखा हो, क्योंकि हमें अंदाज नहीं था, हमारे आंकड़े ठीक नहीं रहे होंगे। शायद पहली योजना होने के कारण हमने ज़्यादा उत्साह से काम किया, हम ज़्यादा सीरियस रहे, ज़्यादा तत्पर रहे, ज़्यादा तन्मय रहे उसमें। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। कहने का मकसद ये कि कई बार हमने लक्ष्यों को छूने में सफलता नहीं पाई, कई बार इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्यों से हमने ज़्यादा सफलता पाई। जैसे यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सफलता हमें मिलती है एक तरीके से 8वीं योजना में, जब 5.6% का लक्ष्य रखा गया। 8वीं योजना यानी 1992-1997 उदारीकरण की शुरुआत जब होती है, उस समय जो पंचवर्षीय योजना आती है 1992-1997, उसका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, जबकि हमने पाया 6.6%। ये पाया 12वीं योजना का लक्ष्य था 8%, लेकिन इसके कितनी प्राप्ति हुई इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन 11वीं योजना में हमने 8.1% लक्ष्य रखा था और 8% का लक्ष्य पाया। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, पंचवर्षीय योजनाओं में आने वाले कुछ आंकड़े, इससे अब हम वाकिफ हो गए। ये तो बातें हुई योजनाबद्ध विकास की, पंचवर्षीय योजनाओं की, उसके परिणाम और उस पे लोगों की टिप्पणी। आलोचनाओं की बात यदि करें कि पंचवर्षीय योजनाएं अंततः इसलिए हटाई गई क्योंकि उसने लोगों की ज़्यादा आलोचना झेली,
आलोचनाओं के तहत जो बात एक वर्ग के द्वारा सतत रूप से कही गई वो ये थी कि पंचवर्षीय योजनाकार के योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। और मैंने बताया निजी क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से ताकतवर थे, ऐसा वर्ग सतत रूप से सरकार पे दबाव बना रहा था और सतत रूप से कमांडिंग हाइट्स की स्थिति की आलोचना कर रहा था और कोई मौका नहीं छोड़ रहा था ऐसा करते हुए। दूसरी समस्या या दूसरी आलोचना का कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र ने जो निहित स्वार्थ थे ताकतवर उनको खड़ा किया और इन व्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस आदि की प्रणाली जो खड़ी कर दी। ये लाइसेंस प्रणाली का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, इसने भी काफ़ी समस्याएं खड़ी की और आलोचना के पात्र बनाया। तीसरी आलोचना का आधार था आयात, आयात में सरकार द्वारा की जाने वाली बाधाएं। सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयात कर दी जिन्हें घरेलू बाज़ार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाज़ार प्रतिस्पर्धा विहीन होता है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ऐसा आलोचनाकारों का कहना था जो योजनाकारों की आलोचना करते थे। और सबसे बड़ी जो इनकी आलोचना थी वो ये कि इन्होंने सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का नियंत्रण में रख लिया है। सरकार नियंत्रण में रखे चीज़ें लेकिन कुछ सीमा तक, ऐसी चीज़ों को नियंत्रण में रख ले जो राष्ट्रीय हित के हों या जिस बड़े बड़े जिस पे निजी हाथ पैसा नहीं लगा सकता। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा देखा गया कि सरकार ने अपना नियंत्रण लगभग आर्थिक मामलों के हर पहलू पर रख लिया था। ये भी इस तरीके की विकास मॉडल की आलोचना का बहुत बड़ा कारण बना। अंततः विकास का मिश्रित मॉडल ढह जाता है इन सब आलोचनाओं के दबाव में। मैंने पूर्व में आलोचनाओं का जिक्र किया, बाद में कुछ और ज़्यादा ही इसकी आलोचनाएं तीव्र और तीव्रतर हो गई, जिसमें ये कहा गया कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा मद पर कुछ खर्च नहीं कर रही है जो किसी देश की आधारशिला हो सकती है। शिक्षा और चिकित्सा पर कम खर्च किया जाना एक आलोचना का कारण बना और काफ़ी हद तक ये सच भी है। आज की स्थिति में भी हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के मामले में हम कितने पिछड़े हुए हैं। आलोचना की दूसरी बात थी कि सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे। निजी क्षेत्र का जहां मुनाफा कम था सरकार वहां चली जा रही थी, जबकि होना ऐसा नहीं था। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि राज्य सरकार की मदद से एक नया मध्य वर्ग सामने आया, नया मध्य वर्ग का उदय हुआ जो बगैर किसी खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह अन्य सुविधाएं ले रहा था। गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आप देख रहे हैं कि गरीब जस के तस हैं। हाँ, उनमें से एक नया वर्ग थोड़ा सा उभरा जो नियो मिडिल क्लास, जिसे हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। और अंतिम आलोचना बहुत कटु कि गरीबी का प्रतिशत यदि भले ही जनसंख्या के अनुपात में कम हुआ हो लेकिन संख्या तो बहुत बढ़ी। और यदि हम इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से देखें, उसका मूल्यांकन करें, तो ये बात साफ होती है कि इन योजनाओं से राष्ट्रीय आय में ओवरऑल वृद्धि हुई है। इन योजनाओं से हमने व्यर्थ का संसाधनों का दोहन, उस पर काफ़ी नियंत्रण रखा है। इन योजनाओं से, जिसमें प्राथमिकताओं के आधार पर उद्देश्य रखे गए थे, हमने अपने आधारभूत ढांचे मजबूत किए हैं।
इन योजनाओं से हमने अपना निर्यात बढ़ाया है, इन योजनाओं से हमने कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य अच्छी तरह प्राप्त किया है और साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, बहुत कम प्रगति हो पाई है। तो आर्थिक क्षेत्र की प्रगति बनाम सामाजिक क्षेत्र की प्रगति, इस पर भी आप एक थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। इन योजनाओं से जहां देश का विकास हुआ, पर एक बहुत बड़ी समस्या अछूती रह गई। जहां योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास हम देखते हैं, हर क्षेत्र में सुधार देखते हैं, वहां एक ऐसा क्षेत्र है जो अछूता ही नहीं रहा बल्कि एक समस्या बना रहा, और वह है आबादी का विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आबादी का जो बढ़ना है वो थमा नहीं, जारी रहा। हमारा खर्च बढ़ता गया, हमारा निवेश बढ़ता गया, हमारे योजनाओं का दायरा बढ़ता गया, लेकिन अपेक्षित सफलता यदि हमें कई बार नहीं मिली तो इसका एक कारण था कि आबादी जो थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त होती है, लेकिन आखिरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि आखिरी थी, मंत्रालयों को अपने कामकाज निपटाने के लिए 6 महीने का और समय दिया गया, और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त होती है। और इस टिप्पणी के साथ हम समाप्त होती है कि हमने जहां आर्थिक क्षेत्र में नियोजित विकास में काफ़ी कुछ सफलता पाई, वहीं आबादी जनसंख्या के क्षेत्र में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वह समस्या जस की तस रही। और पंचवर्षीय योजनाएं 2017 में समाप्त होती हैं, उसके बाद क्या होता है? नीति आयोग अपना कार्य शुरू करता है जिसकी स्थापना 2015 में हो जाती है, 1 जनवरी 2015, और उसके तहत वो पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था को हटाता है और 3 साल का एक्शन प्लान बनाता है। 3 साल का एक्शन प्लान, और इस एक्शन प्लान के तहत 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बनते हैं। 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, यानी 15 वर्ष की योजना बनती है जिसे विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसे 3-3 वर्षों में स्प्लिट किया गया है, तोड़ा गया है। योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग ने 3 वर्षीय एक्शन प्लान का प्रावधान किया है बजाय 5 वर्षीय का, और योजना बनाते समय उसकी सोच है नीति आयोग की कि 5 वर्ष की का विजन ना रखें बल्कि लंबा रखें, 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष का विजन, 3 वर्ष का एक्शन प्लान और 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी पेपर्स, ये नीति आयोग की कार्यशैली का हिस्सा है। अब हम आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात ऐसे उद्योग जो सरकार स्थापित करती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रम। भारत में यदि सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि शुरू में सार्वजनिक उपक्रम इतने ज़्यादा थे निजी उपक्रमों की तुलना में, उस पर निवेश भी इतना ज़्यादा था कि उसे कमांडिंग हाइट्स का दर्जा दिया गया। धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कम होती गई और निजीकरण बढ़ता गया। वे उद्योग जो पूर्व में मात्र सरकारी क्षेत्र के तहत माने जाते थे, उनमें से कुछ उद्योगों को कम करते करते निजी क्षेत्रों को दिया जाने लगा, और आज स्थिति ये है कि डिफेंस के, रक्षा के मामले में भी, कम से कम राष्ट्रीय हित के मामलों को अभी तक सरकारी उपक्रमों के तहत देखा गया। लेकिन अब सरकार का मानना है कि ऐसे राष्ट्रीय हित के
से जुड़े हुए उद्योगों के कुछ कामों को हम निजी हाथों में सौंप सकते हैं, और उसी के तहत एयर इंडिया जो निजी हाथ में अब गया है, उसी के तहत रक्षा संसाधन, रक्षा के कई सामानों का निर्माण भी अब निजी कंपनियों को दिया गया है। उसी के तहत अब बहुत सारे रेल उद्योग के निजीकरण की भी बात हो रही है। उसी के तहत बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा और आदि आदि विभिन्न क्षेत्र जो अभी तक सरकारी छत्र छाया में ही पल रहे थे, पनप रहे थे और बढ़ रहे थे, उन सब को अब निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। भारत में यदि हम अब पिछले इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण और विस्तार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उस सार्वजनिक क्षेत्र में जितने स्टील प्लांट स्थापित हुए, चाहे वो भिलाई का हो, बोकारो, राउरकेला और अन्य जो जितने भी स्टील प्लांट दुर्गापुर, चाहे वो एनटीपीसी जैसी संस्थाएं हों, एनटीपीसी जैसे उपक्रम हो, बीएचईएल जैसी संस्था हो, टेलीफोन की कंपनियां हों, आदि आदि, ये सब सरकारी क्षेत्र में आते थे या सार्वजनिक क्षेत्र में आते थे। सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण और विस्तार, इसमें भारी उद्योग, कोयला उद्योग, तेल उद्योग, परमाणु ऊर्जा, ये सब शामिल थे। अब कोयला उद्योग भी निजी हाथों में दिया जाने का प्रस्ताव है। बहुत सारे भारी उद्योग तो ऑलरेडी निजी हाथों को सौंप दिए गए हैं। तेल उद्योग में भी अभी प्रयास चल रहा है इसके निजीकरण का, आदि आदि। सार्वजनिक क्षेत्र जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, मैंने बताया, उसके निर्माण और विस्तार का उत्तरदायित्व जब शुरू में देश की स्वतंत्रता के समय इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, और इसके लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त वित्तीय सहायता दी, पर्याप्त मानव शक्ति संसाधन दिया, ट्रेंड ऑफिसर्स, ट्रेंड अधिकारी आदि दिए। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसके निर्माण के उद्योग को पूरा करने के लिए सरकार ने जी जान से बहुत काम किया, और इसका उद्देश्य क्या था कि ये जो भारी उद्योग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इस आधारभूत ढांचे के ऊपर ही तो उद्योग स्थापित होंगे। तो इसलिए आधारभूत ढांचे की स्थापना और इनका तीव्र विकास, ये शुरू में बहुत बड़े स्केल पर हम देखते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाना, और उसी के तहत हमने पाया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश का लक्ष्य क्या था। पंचवर्षीय योजना नीति कारकों का लक्ष्य था उद्योगों का विकास। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति पर विशेष बल दिया गया। कौन से दोनों उद्देश्य? सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण और उसका तीव्र विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1957 से 1962, भारत ने इस काल में बहुत सारे उद्योग स्थापित किए, और आप पाएंगे कि बहुत सारे सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम इसी काल में स्थापित किए गए। सरकार की यह सतत मंशा रही है कि इन सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकास की दर को तीव्र रखा जा सके, और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। हम अपने जो विकास की गाथा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं इसी के बल पर। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं, और वो है नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति क्यों हुई। पहली बात तो नए आर्थिक हित क्या हैं और इनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ नए आर्थिक हित। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और विस्तार का जो परिणाम हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र
या पब्लिक सेक्टर का निर्माण और उसका जो फैलाव, उसका एक परिणाम तो ये हुआ कि हम अपने विकास की गाथा में सतत रूप से बढ़ते रहे। दूसरा परिणाम ये हुआ कि देश का एक समग्र रूप से प्राथमिकताओं के आधार पर उचित विकास होता रहा या सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया। कहीं सफलता मिली हो, कहीं असफलता मिली हो, बात दूसरी। तीसरा परिणाम ये हुआ कि कुछ नए आर्थिक हित सामने आ गए जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य को लागू करने में बाधाएं पहुंचाना शुरू कर दिया। ये आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या होता है अंग्रेजी में? वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनका अपना कुछ स्वार्थ हो। ऐसे नए तत्व सामने आ गए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत फैले हुए थे, बड़े विशाल थे, अरबों रुपए की संपत्ति थी, सरकारी तंत्र था और सरकारों का इसमें वरद हस्त था। तो निश्चित रूप से निजी उपक्रमों के हितों से उसका टकराव था। निजी उपक्रमों से जुड़े हुए लोग ये कतई पहचान नहीं पा रहे थे कि सार्वजनिक उपक्रमों का इस तरीके से उसकी विशालता हो, उसकी छत्र छाया इतनी बड़ी हो कि हम सब उसके नीचे ही रह पाएँ और स्वतंत्र ना हो पाएँ। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, निजी क्षेत्र के इन लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उद्देश्य की प्राप्ति में, उद्देश्य को पाने में बाधाएं लानी शुरू कर दी। और इसका कैसे किया कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम करते थे, जो कर्मचारी, उन कर्मचारियों के कुछ तबकों को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित करना शुरू किया, कुछ उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं देनी शुरू की, कुछ उन्हें अतिरिक्त शाह देना शुरू किया, एक खास तरह का नौकर शाह वर्ग उन्होंने तैयार कर लिया। आप ये समझने की कोशिश करिए, ये जो प्रक्रिया निजी क्षेत्र के द्वारा, निजी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा, निजी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो की जाती है या की गई, वो प्रक्रिया कोई एक दो वर्ष की नहीं थी, थोड़ी लंबी थी। सतत रूप से उनके द्वारा ये प्रयास था कि इन सरकारी उपक्रमों के नौकर शाहों को अपने नियंत्रण में लाया जाए, और उसमें काफ़ी कुछ हद तक सफल भी हुए। एक खास वर्ग तैयार किया और जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश लाभ को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप भारत में जो आर्थिक विकास है वो धीमा पड़ गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक तरह से काम ना करने के कारणों में एक कारण ये था कि नौकरशाही द्वारा सरकारी उपक्रमों की नीतियों को ऐसा बनाना जिससे वे अपना स्वार्थ साध सकें, निजी उपक्रम के लोगों का स्वार्थ साध सकें, भले ही सरकारी उपक्रमों को इससे नुकसान हो। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र क्यों ठीक से काम नहीं कर पाए, जिस पर एक नज़र डालें तो पहला कारण हम कह सकते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता तो थी नहीं, स्वायत्तता उन्हें थी नहीं, सरकारी नियंत्रण में थे और इस प्रकार कार्य कुशलता में भी उनमें कमी थी। ये तो पहला कारण, क्योंकि सरकारी तंत्र में रहने के बाद वे अपने को ऐसा मानते थे मानो उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता, टच मी नॉट की भावना। भले उनमें कार्य कुशलता की कमी हो, भले ही वे अपने को समयानुसार ढाल ना रहे हों, लेकिन सरकारी तंत्र में हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो, भले ही कार्यकुशलता में कमी हो। दूसरा कारण किस बात का? सार्वजनिक उपक्रमों का ठीक से विकास या काम न करने का दूसरा कारण, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, ये इन सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों की जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया था, कार्यशैली का हिस्सा बन गया था। लाल फीताशाही, नौकरशाही और भ्रष्टाचार,
लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? आप देखे होंगे कि सरकारी कार्यालयों में फाइल होती है, वो फाइल के ऊपर एक लाल पट्टा रहता है जिसे एक रस्सी से बांधा जाता है। फाइल के अंदर संबंधित कागज होते हैं, वो लाल पट्टे का बंद होना मतलब वो फाइल अभी खुली नहीं है। तो फाइलें खोली ही नहीं जाती थी, उसका फीता बंधा ही रहता था। तब तक नहीं खोली जाती थी जब तक उस फाइल से संबंधित व्यक्ति अधिकारियों के पास जाकर अनुरोध ना करे, गुजारिश ना करे, घूस ना दे आदि आदि। ये सब बुराइयाँ बहुत बुरी तरह इन सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को जकड़ चुकी थी और इसलिए उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हुई। तो तीसरा कारण कार्यकुशलता का बहुत प्रभावित होना, दुष्प्रभावित होना। चौथा कारण, सार्वजनिक क्षेत्र में लंबी अवधि में खर्चे बहुत हो जाते हैं और इस कारण अपेक्षाकृत हानि ज़्यादा होती। परिपक्वता की अवधि, परिपक्वता की लंबी अवधि, सार्वजनिक क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वास्तव में जब फुल प्रोडक्शन पूरे उत्पादन का काल शुरू होता है तो इस बीच जो लंबा गैप होता है उसमें बहुत हानि होती है। ये एक अर्थशास्त्र का मुद्दा है। आपको ये जानना जरूरी है कि अनुमानित खर्चे में ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाना घाटा पैदा करता है। लक्ष्य रखा गया 3 वर्ष में ये उद्योग बनाया जाएगा, उसमें 1,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब 3 वर्ष तो दूर, यहाँ पे 15 वर्ष हो रहे हैं और वो उद्योग अभी आधा भी स्थापित नहीं हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के बजाय अब वो 3,000 करोड़ रुपए उसका खर्च हो गया है, तो नुकसान तो भारी हुआ है। और ऐसा नुकसान वर्तमान में भी एक बड़ी सामान्य बात मानी जा रही है। अगला कारण कि एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या ये है कि सरकारी उपक्रम अपने उत्पादन क्षमता को कभी छू नहीं पाते। लक्ष्य में रखा जाता है कि इसका उत्पादन क्षमता इतने खर्च और इतने वर्ष के निर्माण के बाद इस स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता इतने करोड़ टन प्रति वर्ष रहेगी, मान लीजिए। लेकिन कभी भी हमने किसी भी सरकारी उपक्रम में लक्ष्य की पहुंच तो दूर, लक्ष्य को छूना तो दूर, लक्ष्य के आसपास भी कहीं नहीं फटक पाते। कारण बहुत से तरीके की बुराइयां सरकारी तंत्र में जो रहती हैं वो बड़ी साफ दिखती हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकारी उपक्रम जो हैं वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। कितनी ही आधुनिक सुविधाएं दे दो, तकनीकी ज्ञान दे दो, कितना ही उन्हें कुशल बना दो, लेकिन कुछ कारण होते हैं सरकारी तंत्र के अधिकारियों में, सरकारी तंत्र में, कि वो उनकी जो पोटेंशियल है, क्षमता है, वो क्षमता को कभी छू ही नहीं पाते। अगला कारण, कमजोर प्रबंधन व्यवस्था, पुअर मैनेजमेंट। इस पर जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। प्रबंधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, क्षेत्रीय समस्याएं, क्षेत्रीय भावनाएं, और इन बिंदुओं को लेकर एक समग्र रूप से जो प्रयास होना चाहिए सर्वोत्तम निकालने का, उसमें हम लोग बड़े कमजोर। तो बहुत यानी प्रबंधन कुव्यवस्था, ये अगला कारण हम कह सकते हैं। इनमें अनुशासनहीनता चरम सीमा पर रहती है, भ्रष्टाचार बहुत है, और इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम ने वैसे तो देश के विकास में बहुत योगदान दिया पर अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रहे। मुख्य विवाद तो ये है कि शुरुआती दौर में विकास की जो नीतियां अपनाई गई उन पे बड़े सवाल उठे। हम इसमें दो
बातों पर चर्चा करें। पहला, कृषि बनाम उद्योग। शुरू में जब विकास के मॉडल की बात हुई और नियोजित विकास की बात हुई तो बात ये उठी कि प्राथमिकता किसको दें, कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि को दें या आधारभूत औद्योगिक ढांचे की जरूरत को मानते हुए उद्योग को दें। तो ये एक मुख्य विवाद बना और इस विवाद में ये बात तय थी कि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी थी और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का विकास होगा ऐसा माना जा रहा था। जो लोग इस विचारधारा के पक्ष में थे कि कृषि का विकास अहम है, उनके अनुसार क्या तर्क रखे गए, थोड़ा उस पर नज़र डालें। पहला, आबादी 70% कृषि पर निर्भर है, 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए हमारा उद्देश्य कृषि प्रधान उद्देश्य हो, कृषि का विकास हो। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध और विभाजन, इसके कारण सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है वो कृषि क्षेत्र को पड़ी है। जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ा 40% क्षेत्र चावल के उत्पादन का पंजाब चला गया, गेहूं के उत्पादन का 60% क्षेत्र, 85% क्षेत्र पाकिस्तान चला गया, आदि आदि। और पॉपुलेशन भारत की ज़्यादा रही, जनसंख्या बढ़ती ही रही, तो ऐसे में जो हमें खाद्यान्न के कमी की मार झेलनी पड़ी, इसलिए कृषि का उद्देश्य प्रमुख रखा जाए, सर्वोपरि रखा जाए। और इससे सामाजिक आर्थिक संतुलन भी प्रभावित हुआ है, इसलिए कृषि को सर्वोपरि रखा जाए, ये उनका तर्क था। तीसरा तर्क था कि कृषि खेती के मामले में जो भी हम करें उसके परिणाम जल्दी आते हैं, खेती के मामले में हम उत्पादन को लेकर जो प्रयास करें तो जो भी नीतियां अपनाएं, जो भी गतिविधि करें उसके परिणाम जल्दी आते हैं, जबकि उद्योग के परिणाम आने में बहुत समय लगता है। पहले तो उद्योगों की स्थापना, वो बड़ा पेचीदा बड़ा लंबा काम है, स्थापना के बाद उत्पादकता या उत्पादन सुनिश्चित करना, फिर उत्पादन जो उत्पादक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में पहुंचना, फिर मार्केट में उसका उचित रूप से उपयोग होना, बहुत लंबा काल लग जाता है इसके परिणाम आते आते। और दूसरी ओर यहाँ पे भारतीय जनता थी जो भुखमरी और अकाल आदि की शिकार थी, तो इसलिए हम ऐसी प्राथमिकता रखें जो जल्दी से परिणाम दे सके। तो इन लोगों का तर्क था कि कृषि आधारित लक्ष्य जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं और उद्योग के विलंब से, इसलिए कृषि को ही हम अपनी इस पहली योजना का उद्देश्य माने, कृषि विकास। जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थीं और विकास के उस मॉडल को हमने स्वीकार किया था जिसे मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, तो सामने कई सवाल थे। उन सवालों की ओर थोड़ा सा नज़र डालना ज़रूरी है कि ये समझने के लिए कि हमारे योजना निर्माता, हमारे राष्ट्र निर्माता कितनी गहरी पेचीदगी में फंसे हुए थे और पशोपेश में थे। उसमें जो पहला मुख्य मुद्दा था कि आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, ये सरकार का काम है और इसके लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, ये सोचने की बात थी। दूसरा सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा संगठन है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए, और इसीलिए इस सवाल के उत्तर के रूप में योजना आयोग की स्थापना होती है। तीसरा सवाल था, क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग अपने आप रखने लग चाहिए, खुद चलाना चाहिए, व्यवसाय खुद करना चाहिए। इसका उत्तर भी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए पा लिया। फिर आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े यदि सामाजिक न्याय आता है तो सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। आर्थिक समृद्धि
कि जरूरतों के मार्ग में यदि सामाजिक न्याय वाली बात कहीं बाधक हो रही है तो किस हद तक हम सामाजिक न्याय को तवज्जो दें, ये एक सवाल था। इनमें से प्रत्येक सवाल पर बहुत टकराव हुए और कई सवालों पर तो टकराव आज भी जारी है। जब भी ऐसी बातें होती हैं विकास की और कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हितों की टकराहट, उसमें प्राथमिकताओं की पर विवाद, उसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा, इसको लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये योजनाओं का पालन अनुपालन बहुत वर्षों तक टल जाता है, स्थगित हो जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर पंचवर्षीय योजना में जो बजटेड अमाउंट था, जो रकम रखी गई थी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उससे कई गुना ज़्यादा रकम खर्च करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि सारी योजनाएं विलंबित हो रही थीं। जहां योजनाओं को लेकर इस बात पर सर्वसहमति थी कि पूरी आर्थिक व्यवस्था निजी हाथों में नहीं सौंपी जा सकती, वहीं कुछ दूसरे मुद्दे थे जिसका मैंने जिक्र किया है, जिस पर बारंबार विवाद हो रहा था। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। यदि मैं समस्याओं की बात करूं जो योजनाकारों के सामने थी, तो उसमें पहली समस्या ये थी कि राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना, इस लक्ष्य के लिए ये लक्ष्य पाना तभी संभव जब लोगों की बचत जो है वो खर्च से ज़्यादा हो, और ऐसा हो नहीं रहा था। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था और इसे और कम नहीं किया जा सकता था। बचत को बढ़ावा देना बहुत मुश्किल, ये बचत आय और बजट ये एक बड़ा अहम पहलू है। अपनी इस नियोजित विकास की प्रक्रिया में, क्योंकि यदि लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हैं तो योजनाकार योजना बनाकर क्या करेंगे। और इसीलिए इस मुद्दे को भी उस नज़रिए से देखना है जिसका संबंध विकास से है। जो लोग काबिल थे, पैसा लगा सकते थे, उनकी तुलना में देश में मौजूदा पूंजी और भंडार बहुत कम था, और लोगों की बचत यदि आप देखें आंकड़ों पर तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में की गई थी, बचत की उम्मीद से कम निकली। ये जो बचत थी वो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में की गई थी, बात हम कर रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इस प्रकार यदि हम इन पंचवर्षीय योजनाओं का और अध्ययन करें, थोड़ा और गहराई पे जाएं, तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे जो इस बात को स्पष्ट और स्पष्टतर करते जाएंगे कि विकास की इस प्रक्रिया में नियोजित विकास को हमें क्यों त्यागना पड़ा, किस तरह की बाधाओं से इन योजनाओं को गुजरना पड़ा, और क्यों हम अपने लक्ष्यों को पाने में लगभग हर बार असफल रहे। इसके अलावा योजनाकारों की समस्या थी पिछड़ापन, मूलतः और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए थे, तकनीकी ज्ञान कुछ नहीं था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने का पैसा नहीं था। उसके लिए जो विदेशी मुद्रा लगती है हम समझ चुके हैं अन्य अध्यायों में भी, अन्य विषयों में भी, कि विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ कितना कम होता गया कई कारणों से, और जब भी हमने प्रौद्योगिकी खरीदी उसकी बहुत बड़ी कीमत हमको विदेशी मुद्रा के रूप में चुकानी पड़ी, और जब हम प्रौद्योगिकी लेते हैं तो उसके परिणाम मिलने में बहुत समय लगता है, उसका प्रभाव दिखने में बहुत समय लगता है। अगली जो समस्या, वो उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट हमेशा डराते रहता था, क्योंकि निवेश लोग उद्योग में ज़्यादा कर रहे थे। और योजनाकारों की अगली समस्या थी कि
उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन बनाए रखने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। क्यों कठिनाई? जहां पूंजीपति उद्योगों को बढ़ावा देने का की पैरवी करते थे, वहीं 70% देश की जनता कृषि आधारित थी। तो हम इन पूंजीपतियों की बात माने या 70% जनता की समस्याओं को लेकर कृषि की ओर ध्यान दें, इस पर काफ़ी कठिनाइयां योजनाकारों को हो रही थी। 1991 में जो उदारीकरण का जो नया इतिहास शुरू हुआ या विकास के रास्ते में जो हमने नया मार्ग अपनाया, उसके पीछे बहुत से कारण हमने देख लिए। सरकारी नियंत्रण वाली जो अर्थव्यवस्था थी, इसके पक्ष में जो सहमति बनी थी शुरू में, वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकी और उसके बहुत से कारण थे। हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों उदारवादी नीति अपनानी पड़ी। दूसरा बिंदु जो है कि 50-80 के बीच, 1950 से 1980 के बीच भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो सालाना ग्रोथ रेट माने, वो मात्र 3-3.5% की दर से आगे चल रहा था, जो बड़ी धीमी रफ्तार थी। विकास दर बहुत धीमी थी, इसने भी बहुत लोगों को निराश किया और सरकारी क्षेत्र के दबदबे पर प्रश्न चिन्ह उठाए। ये वो काल भी था जब सार्वजनिक उद्यमों में भारी भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी, भारी अकुशलता की बातें सामने आ रही थी, भारी अव्यवस्था की बातें सामने आ रही थी, पुअर मैनेजमेंट, करप्शन और इसके अलावा लैक ऑफ डिसिप्लिन। सरकारी उपक्रमों में काम करने वालों में ये देखा गया कि ये तीनों बातें बहुत गहरी पैठ कर गई थी और इसलिए जिस उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों का विस्तार किया गया था, वो काफ़ी कुछ पूरा नहीं हो पा रहा था। 1980 के दशक के बाद अगली समस्या, अगला बिंदु जिसने सरकारीकरण के खिलाफ जनता की आवाज़ को बढ़ाया, वो था कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिए जाने के लिए इन भ्रष्टाचार और डिसिप्लिन, अनुशासन और इन मुद्दे को लेकर जगह जगह आवाज़ उठने लगी थी। जगह जगह एक तरीके से आंदोलन हुए, हड़ताल, लॉकआउट, तालाबंद, ये एक सार्वजनिक उपक्रमों की जीवन शैली का एक ढर्रा बन चुका था। ये तो बातें हुई योजनाबद्ध विकास की, पंचवर्षीय योजनाओं की, उसके परिणाम और उस पे लोगों की टिप्पणी। आलोचनाओं की बात यदि करें कि पंचवर्षीय योजनाएं अंततः इसलिए हटाई गईं क्योंकि उसने लोगों की ज़्यादा आलोचना झेली। आलोचनाओं के तहत जो बात एक वर्ग के द्वारा सतत रूप से कही गई, वो ये थी कि पंचवर्षीय योजनाकार के योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। और मैंने बताया निजी क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से ताकतवर थे, ऐसा वर्ग सतत रूप से सरकार पे दबाव बना रहा था और सतत रूप से कमांडिंग हाइट्स की स्थिति की आलोचना कर रहा था और कोई मौका नहीं छोड़ रहा था ऐसा करते हुए। दूसरी समस्या या दूसरी आलोचना का कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र ने जो निहित स्वार्थ थे ताकतवर, उनको खड़ा किया और इन व्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस आदि की प्रणाली जो खड़ी कर दी। ये लाइसेंस प्रणाली का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, इसने भी काफ़ी समस्याएं खड़ी की और आलोचना के पात्र बनाया। तीसरी आलोचना का आधार था आयात, आयात में सरकार द्वारा की जाने वाली बाधाएं। सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर
बाधा आयात कर दिए जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन होता है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ऐसा आलोचनाकारों का कहना था जो योजनाकारों की आलोचना करते थे। और सबसे बड़ी जो इनकी आलोचना थी वो ये कि इन्होंने सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का नियंत्रण में रख लिया है। सरकार नियंत्रण में रखे चीज़ें लेकिन कुछ सीमा तक, ऐसी चीज़ों को नियंत्रण में रख ले जो राष्ट्रीय हित के हों या जो बड़े बड़े जिस पे निजी हाथ पैसा नहीं लगा सकता। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा देखा गया कि सरकार ने अपना नियंत्रण लगभग आर्थिक मामलों के हर पहलू पर रख लिया था। ये भी इस तरीके की विकास मॉडल की आलोचना का बहुत बड़ा कारण बना। अंततः विकास का मिश्रित मॉडल ढह जाता है इन सब आलोचनाओं के दबाव में। मैंने पूर्व में आलोचनाओं का जिक्र किया, बाद में कुछ और ज़्यादा ही इसकी आलोचनाएं तीव्र और तीव्रतर हो गई, जिसमें ये कहा गया कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा मद पर कुछ खर्च नहीं कर रही है जो किसी देश की आधारशिला हो सकती है। शिक्षा और चिकित्सा पर कम खर्च किया जाना एक आलोचना का कारण बना और काफ़ी हद तक ये सच भी है। आज की स्थिति में भी हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के मामले में हम कितने पिछड़े हुए हैं। आलोचना की दूसरी बात थी कि सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे। निजी क्षेत्र का जहां मुनाफा कम था सरकार वहां चली जा रही थी, जबकि होना ऐसा नहीं था। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि राज्य सरकार की मदद से एक नया मध्य वर्ग सामने आया, नया मध्य वर्ग का उदय हुआ जो बगैर किसी खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह अन्य सुविधाएं ले रहा था। गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आप देख रहे हैं कि गरीब जस के तस हैं। हाँ, उनमें से एक नया वर्ग थोड़ा सा उभरा जो नियो मिडिल क्लास, जिसे हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। और अंतिम आलोचना बहुत कटु कि गरीबी का प्रतिशत यदि भले ही जनसंख्या के अनुपात में कम हुआ हो लेकिन संख्या तो बहुत बढ़ी।